देखिए भाई, एक बात तो कंफर्म है कि चाहे आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं, आप लोगों में से सभी ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी स्पर्म क्रैम्प्स का सामना किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्पर्म क्रैम्प्स होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो डोंट वरी, बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऑन टाइम। चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पे कि आखिरकार यह स्पर्म क्रैम्प्स होता क्या है। तो देखिए भाई, इजेकुलेशन के दौरान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इजेकुलेशन क्या होता है इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। वैसे इसका उसका लिंक जो है ऊपर कार्ड पे मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाके इजेकुलेशन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इजेकुलेशन के दौरान, इजेकुलेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इजेकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जो है अपने बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालता है, ठीक है, चाहे वो सेक्स के दौरान हो, चाहे वो मेस्ट्रुएशन के दौरान हो, किसी के भी दौरान, इट डजेंट मैटर्स। तो आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे कि अब ये इजेकुलेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रकार का सेंसेशन, जलन हो, पेन हो, या किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट महसूस करता हो इजेकुलेशन के दौरान या फिर इजेकुलेशन के बाद भी, तब इस फेनोमेना को स्पर्म क्रैम्प्स बोलते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, बॉडी से स्पर्म बाहर निकलने के दौरान या फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है अलग प्रकार का सेंसेशन या फिर जलन या फिर दर्द महसूस करता है, तब इस फेनोमेना को स्पर्म क्रैम्प्स बोलते हैं। देखिए भाई, स्पर्म क्रैम्प्स जो है ना, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी का जो पेन होता है वो माइल्ड होता है, किसी को जो जलन होती है वो हल्की होती, ज़्यादा जलन नहीं होती, ज़्यादा दर्द नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो किसी को थोड़े समय में ठीक हो जाता है, 5-10-15 मिनट, आधा घंटे में ठीक हो जाता है, तो किसी को लंबे समय तक लिए वो टीका रहता है। तो इसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर स्पर्म क्रैम्प्स जो है वो महसूस करती है, तब इसका मतलब ये नहीं ना है कि आपको कोई बीमारी है। हाँ, अगर आप को स्पर्म क्रैम्प्स रेगुलर आते हैं, उसके जो पेन है, सेंसेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, लंबे समय तक महसूस होता है, तब उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखवा सकते हैं। अगर स्पर्म क्रैम्प्स नॉर्मल आते हैं, हल्का फुल्का सेंसेशन होता है, हल्का फुल्का जलन होता है या फिर दर्द होता है वो, जो कि अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये नॉर्मल है, इससे डरने वाली बात नहीं है। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी होते हैं स्पर्म क्रैम्प्स, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ सोशल मीडिया साइट पर, होते हैं भाई, क्या इसमें डरने वाली बात है या शर्माने वाली बात है, ये नेचुरल चीज़ है। तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या आपको भी स्पर्म क्रैम्प्स आते हैं, और आते हैं तो कितने, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, कितनी बार आती है, कितना ज़्यादा पेन होता है, क्या नहीं होता है, या फिर इससे जुड़े कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।